नमस्कार दोस्तों, यशस्वी एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के दिन हम डिस्कस करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया का जो 5G ट्रायल हो गया है दोस्तों। और उस ट्रायल में वोडाफोन आइडिया ने एक ज़बरदस्त स्पीड अचीव किया है। रिकॉर्डेड स्पीड जो हुआ है 3.7 गीगा बिट पर सेकंड GBPS, जो हाईएस्ट इन इंडिया है अभी तक का 5G ट्रायल में। और ये पुणे में ट्रायल कंडक्ट हुआ है और इन्होंने जो कंपनी ने डाउनलोड स्पीड रिकॉर्ड किया है वो 1.5 GBPS है। अभी तक जियो और एयरटेल ने जो ट्रायल किया है 5G का, उनको जो स्पीड अचीव हुआ है वो 1.1 GBPS का अचीव हुआ है। और वोडाफोन आइडिया का बात करेंगे तो 3.7 GBPS का स्पीड अचीव हुआ है दोस्तों। काफ़ी डिफरेंस है एयरटेल और जियो को पीछे छोड़ के, वोडाफोन आइडिया में 5G ट्रायल में बहुत आगे चल रहा है दोस्तों। गवर्नमेंट का रिलीफ पैकेज, ये सब फैक्टर्स मिलाते हुए अगर वोडाफोन आइडिया इस तरीके से आगे बढ़ गया तो यहाँ पे बहुत कुछ चेंज हो सकता है। अभी एक न्यूज़ अवेटेड है, कोई इन्वेस्टर इसमें आता है क्या, वो देखने वाली बात होंगी दोस्तों, तो उसको हम देखेंगे। तो ये ट्रायल किया था वोडाफोन आइडिया ने और उसका ट्रायल का जो न्यूज़ आया है उसके अकॉर्डिंगली ये अभी तक का हाई स्पीड है। और ये 3.5 GHz स्पेक्ट्रम बैंड में उन्होंने टेस्ट किया है दोस्तों। और इसका जो टेस्ट हुआ है पुणे में हुआ है 5G ट्रायल लैब सेटअप में, और वहाँ पे इनका जो सेटअप हुआ है। उसके अलावा इनका जो टेस्टिंग हुआ है गांधीनगर में भी हुआ है। तो न्यू जनरेशन ट्रांसपोर्ट एंड रेडियो एक्सेस नेटवर्क के थ्रू इसका टेस्टिंग हुआ है और ये न्यूज़ आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो ये सबसे मतलब अहम बात है जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने रिलायंस जियो, भारतीय एयरटेल एंड वोडाफोन आइडिया को मई में परमिशन दी थी 5G ट्रायल के लिए और अप्रूवल दिया था, और MTNL को बाद में अप्रूवल दिया है। और इनको उनके साथ साथ परमिशन दिया था 6 months ट्रायल के लिए टेलीकॉम गियर मार्केट एरिक्सन, नोकिया, सैमसंग एंड सी डॉट के लिए भी। तो अभी तक जैसा आपने हमने बताया कि जियो का जो स्पीड जो हुआ है रिकॉर्ड हुआ है 1 GBPS, एंड एयरटेल का भी जो स्पीड रिकॉर्ड हुआ है सेम है लगभग, ऐसा न्यूज़ है दोस्तों। तो उसके कंपेयर में अब बात करेंगे तो वोडाफोन आइडिया कई गुना ज़्यादा है। वोडाफोन आइडिया की हमने टेक्निकल चार्ट में बात की थी दोस्तों, और ये टेक्निकल चार्ट में हमने कहा था कि ये करेक्शन हुआ था, ये मार्क है लेवल करेक्शन के बाद, यहाँ पे एक कफ एंड हैंडल पैटर्न बनने की बात की थी और इसके ऊपर ब्रेकआउट की बात कही थी। और उसका पहला हर्डल हमने ये बताया था 10.8 के आसपास, इसको क्रॉस करके ऊपर गया और 12.35 का हाई बनाया। काफ़ी अच्छा रिटर्न यहाँ पे आपको मिला है शॉर्ट टर्म में एकदम से, और वापस अभी ये करेक्ट होके एक वापस रिट्रेस्ट कर रहा है उसी लेवल को जहाँ पे ये रेजिस्टेंस था दोस्तों। ये रेजिस्टेंस जहाँ पे था उसी को ये रिटेस्ट किया। आज के दिन 10.75 की क्लोजिंग है और वोडाफोन आइडिया में अभी ज़्यादा गिरावट की उम्मीद नहीं लग रही है दोस्तों। थोड़ा कंसोलिडेट करके वापस से मूव लेने का चांसेस है, लेकिन ये रिस्क ही है दोस्तों। जहाँ रिस्क है तो आप अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंगली यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए, और अगर डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ जाके आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।